हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू किड्स आर्ट क्लब। आज हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे वो है इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेटिव ड्राइंग। बहुत ही फनी और बेसिक ज्योमेट्रिकल शेप्स का हम लोग यूज़ करके बनाएंगे कोरोना वायरस प्रोटेक्शन। तो इस पे मैं अभी जो ट्राई कर रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइंस का यूज़ करके मैं एक सैनिटाइजर बॉटल बना रहा हूँ, जो बड़ा फनी है। उसका पाम अभी ड्रॉ कर रहा हूँ, जस्ट एक रफ स्केच, बड़ा सा मैं यूज़ कर रहा हूँ ताकि स्पेस का सही से यूटिलाइजेशन हो सके। और ज्योमेट्रिकल शेप्स, अब यहाँ जो कैप है थोड़ा टेढ़ा, टेढ़ा मीन्स थोड़ा सा झुका हुआ, ताकि सैनिटाइजर खुद अपने आप को स्प्रे कर रहा है वो फील लाना चाहता हूँ। अब सैनिटाइजर का शेप ये पॉइंट, और यहाँ पे मैं फिंगर स्केच कर रहा हूँ उसका, एक हाथ से पकड़ा हुआ है, खींच रहा है, प्रेशर दे रहा है, वो फील लाना चाहता हूँ। फिंगर्स मुट्ठी बना रहा हूँ, देखिए बहुत सिंपल सा पतला सा हाथ, और हैंड ग्लव्स पहना हुआ है, ये मैं शो किया। और इधर भी एक हाथ है, ये भी मैं शो कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल रब स्केच में कर रहा हूँ, और फाइनल लेआउट बाद में करूँगा, ताकि मेरा पोजीशन, शेप, साइज सब मैं डिनोट कर सकूँ, दिखा सकूँ। ये बड़ा बड़ा आई और आई बॉल गुस्से में है, गुस्से में आईब्रो ना थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, और ये इसका लिप। तो बड़ा फनी कैरेक्टर फेस फीलिंग देके भी मैं वो दिखाना चाहता हूँ। यानी कि ऐसा नहीं है कि स्प्रे हम लोग बना दिए, यानी कि सैनिटाइजर बना दिए और उसका आई नोज मुंह ना हो, क्योंकि उसमें फील आता है, और यही हमारा इलस्ट्रेशन को फनी भी करता है और साथ में अट्रैक्टिव करता है। सो मेन पर्पस अट्रैक्टिव करने का है। और कोरोना वायरस का दो हाथ दौड़ रहा है, दोनों हाथ आगे करके डर के मारे भाग रहा है। तो ये पहले मैंने हाथ ड्रॉ किया, उसके बाद जो स्पेस है वहाँ पर मैं वाटर ड्रॉप जैसा दो आई बनाना चाहता हूँ। तो ये लगभग हो गया, और हाथ के बीच में चुकी जगह है तो उसका मुंह आ करके जीव निकला हुआ है, ये जीव, ये चीज़ मैं बस एक पोजीशन अभी सेटअप कर रहा हूँ। उसके बाद डिटेल में आउटलाइन करते वक्त ब्लैक से मैं उसको परफेक्टली ड्रॉ करूँगा। और ये कोरोना वायरस का जो कैरेक्टर है, गोल गोल थोड़ा सा लंबा, यहाँ एक पाँव सामने की और एक पाँव मुड़ा हुआ पीछे की ओर दौड़ रहा है। ये बाकी जगह पे मैं इसका कैरेक्टर इस तरह का बना रहा हूँ, बहुत ही सिंपल होना चाहिए। और यहाँ पे स्प्रे हो रहा है, सैनिटाइजर स्प्रे हो रहा है, कोरोना के ऊपर गिर रहा है, और कोरोना भाग रहा है डर से, है ना, बड़ा फनी। अब चलिए इसको फाइनल ड्राइंग कर लेते हैं। मैं ब्लैक मार्कर यूज़ कर रहा हूँ, लाइंस को फॉलो करना है, फाइनल लाइंस, बहुत ही सिंप्लीफाइड लाइंस। पेंसिल से बना के उसके बाद ड्रॉ करने से क्या होता है कि कहाँ छोड़ना है, जैसे ये जगह मैंने छोड़ दिया है, वो हमारा फाइनल हो जाता है। अब थोड़ा सा फ्री हैंड मैंने जानबूझ के ड्रॉ किया, ताकि फ्री हैंड भी ड्राइंग हो सके। ये मोटू राम स्प्रे, मोटू राम है, ये हो गया एक हाथ, और ग्लव्स पहना हुआ है इस तरह का सिंपल सा। और यहाँ पे जो हाथ है जिस पे वो स्प्रे कर रहा है, ये थंब हो गया, और ये भी ग्लव्स है, और पतला पतला इसका आर्म्स है। यहाँ देख, अब मज़े है ना, मज़ेदार, बड़ा फनी। आपने ऐसा स्प्रे बॉटल देखा है क्या, कमेंट में लिखो। अब मैं कोरोना वायरस का ड्राइंग कर रहा हूँ छोड़ छोड़ के, क्योंकि पूरा सर्कल करने से शायद कैरेक्टर अच्छा ना लगे, इसीलिए मैं अब ये आई वाटर ड्रॉप जैसे दो उल्टा उल्टा, आई बॉल, आई ब्रो, और ये एक हाथ पाम, और ये दूसरा हाथ, बस काउंटेड नहीं है, बस फनी, फिंगर दो तीन कुछ भी बना सकते हैं, दोनों हाथ आगे। और यहाँ पे मैं मुंह बनाना चाहता हूँ, ये जीव, बड़ा इजी ड्राइंग है, दांत बना दीजिए दो तीन राक्षस जैसा, ऐसे करके भाग रहा है, ये एक पाँव और एक पाँव फोल्ड किया हुआ है सामने ऐसा, बैक साइड का पाँव, इसीलिए मैंने वो लाइन ऐड कर दिया। और यहाँ से इसका बाकी का कैरेक्टर
एकदम साफ साफ होना चाहिए, क्लमजी ज़्यादा ना हो, इसलिए डिस्टेंस में मैं ये सब बना रहा हूँ। ये स्प्रे हो रहा है, वाटर ड्रॉप्स, एक्चुअल में वाटर नहीं है, सैनिटाइजर है। और लगभग ड्राइंग कोरोना का भी हो गया। अब सैनिटाइजर जो है बड़ा गुस्से में है, क्योंकि कोरोना देखने से उसको खुजली हो जाता है, तो वो गुस्सा वाला फील लाना चाहता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा आई में चमक है वो करने के लिए मैं थोड़ा सा इसको इस तरह से ड्रॉ किया हूँ, ये गुस्सा वाला शेप, ये आईब्रो ऊपर की ओर भौहें उड़ जाते हैं, तो लगभग लगभग ड्राइंग। अब कोरोना वायरस उछल के भाग रहा है इस ज़मीन से ऊपर, इसीलिए मैं नीचे इसका पाँव में सटा के ब्लैक शेडो नहीं बनाया, थोड़ा कर्व शेडो। और यहाँ मैं लिख देता हूँ सैनिटाइज़र, आप चाहो तो नहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि इससे पता क्या चलेगा ना, ये क्या छिड़क रहा है जिससे कोरोना वायरस भाग रहा है, तो मैं वही चीज़ बनाया हूँ। ये सैनिटाइज़र छिड़कने से कोरोना वायरस भागता है ना मज़ेदार। सो होपिंग यू लाइक द वीडियो। अब इसका भी शेडो बना देते हैं, एक साइड में चाहता हूँ शेडो बनाऊँ और एक पाँव उठा हुआ है, मैं इस तरह से बनाना चाहता हूँ, तो एक साइड पाँव में सटा के मैंने शेडो बनाया, और वैसे ही एकदम ओवल शेप लंबा सा, थोड़ा केयरफुली बनाना पड़ता है ये शेडो। तो इसका बेस भी हो गया, हमेशा बेस लाइन खींचना ये कोई ज़रूरी नहीं है, खासकर इस तरह का आर्ट में जो इलस्ट्रेशन है, मेन है फनी होना चाहिए और इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, तो इसीलिए फेस वगैरह बनाना, एक्शन बनाना इस तरह का ड्राइंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दैट्स इट, नाउ वी कैन स्टार्ट कलरिंग। होपिंग यू लाइक द वीडियो, इफ लाइक प्लीज सब्सक्राइब किड्स आर्ट क्लब। यहाँ पे मैं कुछ माउथ का अंदर, आई, ये सब को पहले ब्लैक से मैं भर लेता हूँ, और मार्कर ही ज़्यादा अच्छा होगा इसीलिए मैंने मार्कर्स का यूज़ किया। कुछ लाइन्स को बोल्ड कर लेते हैं जैसे हाईलाइट हो। अब ग्रीन कलर से मैं, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हो, लेकिन चूंकि वाइट बैकग्राउंड मुझे रखना है तो आई विल बी चूजिंग डार्क शेड्स। साइड साइड में थोड़ा मैं वाइट रख रहा हूँ ताकि थोड़ा 3D इफेक्ट ला सकूँ, मीन्स इसका जो वॉल्यूम है उसका भी फील मिल, इधर से लाइट पड़ रहा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा वाइट साइड में छोड़ दिया। ऑरेंज कलर लेके मैं नीचे भरना चाहता हूँ, आप चाहो तो येलो भरो, येलो भी अच्छा लगेगा, लेकिन मुझे ऑरेंज थोड़ा सा पसंद है ज़्यादा। और जब कलर भर रहा हूँ तो ध्यान रख रहा हूँ कि जो मैंने मार्कर ब्लैक से लिखा है वो जगह ऑरेंज ना चले, क्योंकि फिर ब्लैक फेड हो जाता है। और इसको भी मैं ज़्यादा दूर तक नहीं चलाऊँगा, साइड में थोड़ा सा वाइट रख दूँगा इस तरह का, हल्का सा साइड में वाइट। अब वो सैनिटाइज़र जो है वो ब्लू कलर का है, तो मैं ऊपर थोड़ा वाइट छोड़ के बाकी जगह मैं स्काई ब्लू भर रहा हूँ, और राइट साइड में मैं फिर उसी तरह का वाइट छोड़ दूँगा। और ध्यान ये रख रहा हूँ कि ब्लू कलर जो है वो ब्लैक लाइंस को क्रॉस ना करे, तो थोड़ा सा केयरफुली एजेस पे थोड़ा केयरफुल होना पड़ता है, उससे क्या होगा नीटनेस रहता है और ब्लैक प्रोमिनेंट रहता है, अदरवाइज ब्लैक के ऊपर ब्लू चल जाएगा तो ब्लैक फीका हो जाता है, तो ये यही चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जब कलर अप्लाई करना है, स्पेशली पेस्टल कलर। तो लगभग लगभग बहुत केयरफुली एजेस को बहुत ही ध्यानपूर्वक करना है। इस तरह का मैं साइड में वाइट रख दिया। अब मैं पर्पल कलर लेके थोड़ा ग्रीन के ऊपर, थोड़ा ब्लू के ऊपर, ताकि डार्क एरिया को भी मैं दिखा सकूं, इससे पता चल रहा है कि लेफ्ट साइड से ये लाइट पड़ रहा है, और थोड़ा वॉल्यूम, मीन्स जो बॉटल गोल टाइप का है वो भी थोड़ा फील होना चाहिए, तो वो फीलिंग के लिए मैं कर रहा हूं। और इधर भी स्काई ब्लू हाथ में, और
रेड कलर से मैं नीचे एस तक, वो जो लाइन ऊपर पर्पल का आया उसी को मैनेज करके मैं वहाँ तक रेड चलाया। अब कोरोना वायरस में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ऑरेंज कलर से और साइड में थोड़ा सा वाइट छोड़ के, जैसे मैंने बॉटल पे रखा है सैनिटाइजर बॉटल पे। बाकी वही सेम प्रोसेस, ब्लैक में कहीं पे भी टच नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा वाइट छोड़ छोड़ के ऊपर का जो उसका टेक्सचर है। बाकी जगह मैं ऑरेंज कर देता हूँ। आप चाहो तो कोई दूसरा कलर का कोरोना वायरस भी बना सकते हो, ग्रीन ब्लू मिक्स कलर, येलो रेड सब मिक्स करके। मुझे ऐसा फ्लैट कलर अच्छा लगता है। आप कलर चेंज भी कर सकते हो। आप कौन सा कोरोना वायरस का कलर देखे हो पेपर में, टीवी में, आप लिख सकते हो। लगभग बेस फिल हो गया, थोड़ा थोड़ा वाइट छोड़ छोड़ के रखना ताकि थोड़ा सा थ्री डायमेंशनल फिल ला सकूँ। गोल गोल है, वॉल्यूम है वो चीज़। अब येलो कलर साइड में जो मैंने वाइट छोड़ा था वहाँ पे येलो कलर चला रहा हूँ, पाम पे भी येलो कलर, दोनों थोड़ा कलरफुल बनाने के लिए जैसे मैंने कहा था। ऊपर पे भी वाइट वाइट मैंने छोड़ा था, अब रेड कलर लेके मैं इसका कॉन्ट्रास्ट बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑरेंज थोड़ा फीका लग रहा है, रेड कलर और डार्क टोन जनरेट करेगा और साथ में गोल जैसा कोरोना वायरस है वो भी बॉल टाइप का, वो फीलिंग भी मैं लाना चाह रहा हूँ। तो ऑरेंज के ऊपर अगर हम रेड करते हैं तो रेडिश ऑरेंज कलर बनता है और वो थोड़ा सा ब्राइटर कलर दिखता है। इस तरह का मैं रेड भर दे रहा हूँ थोड़ा थोड़ा यहाँ वहाँ। अब ये जगह मैं थोड़ा सर्कुलर वे में चलाऊँगा ताकि गोल फील हो, ये गोल जैसा रेड, और थोड़ा सा राइट साइड लेके जाऊँगा इस तरह का ताकि एक राउंड फील आए जिससे लाइट शेड पता चले। वाइट हाथ भी ठीक है, अदरवाइज चूंकि रेड मैंने उधर चलाया था तो इस पर भी मैं रेड कर देता हूँ थोड़ा सा कलर बैलेंस के लिए भी। दोनों हाथ पे रेड कलर, यू कैन लीव वाइट ऑल्सो, ऑरेंज से थोड़ा सा लाइट शेड, थोड़ा थोड़ा गोल गोल जैसा फील होता है। नीचे पर्पल, नीचे या कोई भी कलर, यू कैन यूज ग्रीन ऑल्सो। पाँव बना दिया, बस फनी इंटरेस्टिंग और कैरेक्टर और एक्शन, ये चार चीज़ इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। जी पे मैं पिंक कलर चला रहा हूँ, आप कोई भी कलर चला सकते हो। लगभग लगभग कंप्लीट, होपिंग यू लव्ड द ट्यूटोरियल, दैट्स ऑल। सो नाउ यू कैन प्रैक्टिस दिस। थोड़ा सा कॉर्नर ब्लेंड कर देते हैं वाइट से, थोड़ा सा फेड जैसा आएगा। सो दैट्स इट, होपिंग यू एंजॉयड द वीडियो। यहाँ थोड़ा येलो से ब्लेंड करना ज़्यादा अच्छा लगेगा। सो लेट्स ट्राई, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट्स फॉर सच काइंड ऑफ वीडियो। थैंक यू एवरीवन।